बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी महक सुहेल। और क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें चलते हैं अपने मेकअप की तरफ। और सबसे पहले मैं अपनी जो डार्क सर्कल होते हैं उनको कंसील कर रही हूँ क्रिस्टाइन के ओरिएंटल से। और ये क्रिस्टीन की जो पैनकेक स्टिक है, यह हमें आराम से मार्केट में 500 to 600 की मिल जाती है। उसके बाद जो है मैंने कंप्लीट फुल फेस पे जो है 38 अप्लाई की थी क्रिस्टाइन की ही, और उसको स्पंज से ही टैप टैप करके मैंने फुल फेस पे जो है मर्ज किया था। और उसके बाद जो मैंने बेस अप्लाई की है पैनकेक मैक का है, और वो मैक का जो पैनकेक है वो आराम से आपको 600 तक में मिल जाएगा किसी भी शॉप से कॉस्मेटिक की। कंसील करी हूँ अपनी आईज़ को क्रिस्टाइन के ही 38 नंबर से। और जो है लाइट मेकअप, आज लाइट बेस रखी है, बहुत ही सॉफ्ट लुक दिया है हमने, पिंकिश सा मेकअप किया है, तो इस वजह से आईब्रो को जो है नीड कर रही हूँ क्रिस्टाइन के पैलेट से। या आपको बड़े से बड़े सैलून में मिलेगा, क्योंकि इस पैलेट की पिगमेंटेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है और बहुत हेल्पफुल है ये आपके आई मेकअप के लिए, आईब्रोज़ के लिए, कंटोरिंग के लिए। तो ये पैलेट हर ब्यूटिशियन के पास होना चाहिए। तो जो मैंने आई मेकअप का पैलेट दिखाया है ये हुदा वालों का है, और इसको मैंने आई थिंक 2000 में परचेज़ किया था, तो आई थिंक मुझे सही से याद नहीं है। और इसके अंदर 3 प्लेट्स हैं इस टाइप की, जिसमें एक मैट प्लेट है, एक शिमरिंग प्लेट है, और जो दूसरी प्लेट है वो ग्लिटरिंग प्लेट है। बहुत प्यारी इनकी ये किट है। और जो है हमने आई मेकअप शुरू किया है लाइट पिंक, हमने मेकअप जो है आई मेकअप स्टार्ट किया है करना, ब्लेंडिंग करेंगे बहुत अच्छे से। तो पिंक कलर को जो है हम लाइट सा ब्लेंड करेंगे और डार्क शेड लेते जाएंगे, और उसको थोड़ा डार्क शेड में लेके आएंगे, क्योंकि हमारा जो आज मेकअप है वो पिंक और गोल्डन शेड में है। गोल्डन भी हमने बिल्कुल मैट कलर लिया है, तो हमारी ब्लेंडिंग जो है अच्छे से हो गई है। ये जो मैंने ऐसे किया था आईज़ को पर, ये समझाने के लिए किया था कि हमें एक गाइडलाइन मिल जाए, हम थोड़ा सा बेस आईज़ पे लगा लेते हैं लैशेस लाइन पे, तो फिर उसको ऊपर की साइड देखते हैं तो हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है कि हमें यहाँ तक ही अपने आई मेकअप को कट करना है। तो इसलिए मैंने ऐसे किया था। और ये आप देख सकते हो मैक का जो पैनकेक है उससे ही मैं अपनी आई मेकअप को कट कर रही हूँ, और बहुत आराम से, बहुत नीटनेस से हमें काम करना है। हम जब दूसरे मॉडल पे काम करते हैं तो हमें इजी रहता है, बट अपने फेस पे काम करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये इस तरीके से जो है हमें गाइडलाइन मिल गई है कि हमें किस तरीके से अपने आई को कट करना है। मुझे इसमें ये मेकअप करने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि ये सुबह के 7 बज रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा चलो कोई मेकअप ही कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा कि कोई चेंज मेकअप रखते हैं, बट इस वक्त मूड नहीं था और इतने प्रॉब्लम्स होते जा रही थी, क्योंकि कट क्रीज मेकअप जो होता है उसमें आपका जहन फ्रेश होना चाहिए कि हमें दोनों आईज़ पे एक जैसे कट करना होता है। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, अल्लाह ताला हर वक्त साथ देता है मेरा, और जो है मेरी मुश्किलें आसान करता है मेरा अल्लाह। तो इस तरीके से आपको आई मेकअप को कट करना है, और आराम आराम से आप काम करेंगे। तो ये जो मैंने कट किया है जिसमें मैं बेस से कट कर रही हूँ, इसमें जो है हमने मैट गोल्डन कलर जो अप्लाई किया था, और रेड ब्रश नहीं यूज़ किया है, सब ड्राई ब्रश से काम हुआ है। और कॉर्नर को जो है मैं उसी पिंक शर्ट को जो है आगे की साइड लेके आ रही हूँ, ताकि हार्श लाइन नहीं दिखे और एक ब्लेंडिंग सा शेप नज़र आए, बिल्कुल इस तरीके से।
ये कलर चॉइस आपकी अपनी भी हो सकती है, आप और मज़ीद लाइट और डार्क कर सकते हैं जो आप चाहें। और ये उसका दूसरा पैलेट है, उसी की प्लेट है, उस पैलेट की ये जो है शिमरिंग शेड है। और इसका मैंने मैट गोल्डन लिया है जो कि मैं कट क्रीज वाली आईबॉल पे जो है अप्लाई कर रही हूँ। बहुत लाइट शेड यूज़ करना है हमें और बिल्कुल लाइट सा सॉफ्ट मेकअप रखा है हमने आज का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे और अच्छा लग रहा होगा इंशाल्लाह ताला। और आपको इस तरीके से लाजमी करना है क्योंकि हमें हार्श लाइन जो है शो ऑफ नहीं करानी है, हमें यही दिखाना है कि ब्लेंडिंग अच्छे से हो ही हुई है हमारे मेकअप में। तो ब्लेंडिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ब्लैक केक लाइनर जो है मैंने आउटलाइन बनाई थी और उसी को जो है मैं ब्लेंड कर रही हूँ पिंक शेड से, और उसको आराम आराम से मैं ऊपर की साइड लेके जाऊंगी और लाइट से कॉर्नर बना के छोड़ दूंगी, उसे ज़्यादा नहीं फैलाना है। बिल्कुल इस तरीके से हम बिल्कुल हल्के हाथों से लाइट लाइट उसको ऊपर की साइड लेके जाएंगे और ब्लेंडिंग करेंगे। कंटोरिंग कर रही हूँ कंटोरिंग पैलेट से क्रिस्टाइन की, और मेरा फेवरेट पैलेट है, तो इस तरीके से कंटोरिंग कर रही हूँ। बड़ी अजीब लगता है ऐसा, लेकिन करना पड़ता है। कंटोरिंग आप अपने फेस के हिसाब से ही करोगे। और मुझे काफ़ी डिमांड आई है कि प्लीज़ कंटोरिंग जो है हमें करना बता दें हमारे फेस के हिसाब से। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मुझे कोई मॉडल मिलती है तो मैं प्रॉपर कंटोरिंग का भी समझाऊंगी, और नहीं मिलेगी तो मैं हूँ ना, मैं अपने फेस पे ही बता दूंगी। नोज़ कंटोरिंग कर रही हूँ, और नोज़ कंटोरिंग जो है मुझे तीखी तीखी नाक बहुत पसंद है, उसको जो है बिल्कुल आईब्रोज़ के साइड पर ले जाते हुए छोड़ना है ब्रश को, इसलिए कि हमारी नाक जो है और मज़ीद खूबसूरत दिखे। सॉरी, पिंक ब्लोशन लिया है मैंने, लाइट पिंक ब्लोशन है, और इसको मैं एप्पल शेप में लगा रही हूँ। ब्लोशन आप ग्लैमर का यूज़ कर सकते हैं। अभी न्यू ब्लोशन किट आई है क्रिस्टाइन की, बहुत ही बेस्ट किट आई है। नैकेड के ब्लोशन बहुत ज़बरदस्त हैं, आप वो भी ले सकते हैं। प्राइस मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो ये मैं इस तरीके से एप्पल शेप में लगाऊंगी, बहुत लाइट सा ब्लोशन दिया है मैंने। और रिवाज की पेंसिल काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप जो है उसमें वाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ब्लैक पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये आपकी चॉइस है, क्या आपको क्या पसंद है। हाइलाइटर जो है ये मैंने एक शॉप से परचेस किया था, इस पर कोई जो है किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं है, इस पर जस्ट हाइलाइटर लिखा हुआ है। और ये टूटने के बाद एक पाउडर फॉर्म में हो गया है, लेकिन काफ़ी अच्छा इसका पिगमेंटेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त हाइलाइटर है, मुझे पसंद है। ये पिंक कलर का है और ये मैंने 350 आई थिंक ऐसे लिया था। तो इस तरीके से है ये हाइलाइटर, इस पर कोई नाम कोई नंबर मेंशन नहीं है, ये पीच कलर का है। और लाइनर जो है मैं ये यूज़ कर रही हूँ, पेन लाइनर है, और इस पर भी कोई नाम नहीं लिखा है, शायद ये चाइना की चीज़ें हैं इस वजह से। और जो है आप लाइनर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हो, चाहे वो केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड पे जो है लाइनर अप्लाई कर लिया है। लिपस्टिक में लगा रही हूँ मेडोरा 216 इसका नंबर है, और बहुत लाइट कलर है, बेबी पिंक कलर है, तो हमने पिंक ही मेकअप अचीव करना था तो हमने पिंक ही लिपस्टिक लगाई है।
और बिल्कुल इस तरीके से मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ लिपस्टिक। लिप्स की शेप आप अपने ओरिजिनल लिप्स के हिसाब से ही देंगी, या आप अगर उसको इन्हेंस करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी। और भाई यहाँ पे मस्कारा लग गया था मेरे आई मेकअप पे, मेरा दिल थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। हम जो है इसका वेट करेंगे ड्राई होने का, उसके बाद जो है हम इसको रिमूव करेंगे। अगर अभी मैंने इसको छेड़ दिया तो ये मेरी आँख का कबाड़ा कर देगा और सारी आँख जो है मेरी ब्लैक हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ड्राई हो गया था ये, और इसको अपने नेल की हेल्प से जो है रिमूव किया है। मेरा आई मेकअप थोड़ा सा वो भी रिमूव हो गया था क्योंकि ये बॉब का लाइनर है। हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को मेकअप अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।